हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे शाही पनीर। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। 2 टीस्पून सॉल्ट, 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स, थोड़े से काजू और बादाम ले लेंगे, 1 टेबल स्पून बटर, स्पून फ्रेश क्रीम या घर की मलाई भी ले सकते हैं आप, 2 तेज़पत्ता, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का, पानी ले लेंगे, 300 ग्राम पनीर, 1 टमाटर, 1 प्याज, 2-3 कलियां लहसुन की, 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल, 1 पैन ले लेंगे, 1 टीस्पून ऑयल डाल देंगे, 1 तेज़पत्ता डाल देंगे, 1 बड़ी इलायची अच्छे से सॉटे कर लेंगे, साथ ही में काजू बादाम भी डाल देंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे इन सभी को, लहसुन डाल देंगे, प्याज टमाटर भी अच्छे से डालकर मिक्स कर देंगे, अच्छे से फ्राई करेंगे इनको, 1 टीस्पून नमक डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डालकर इन्हें पका लेंगे, लो फ्लेम पर इसे अच्छे से पकाएं 3-4 मिनट तक। 3-4 मिनट हो चुके हैं, अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। एक छन्नी लेंगे और इसको अच्छे से छान लेंगे, जिससे कि हमारा पनीर एकदम क्रीमी बने। आप देख सकते हैं कितना स्मूथ है। कढ़ाई ले लेंगे और उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। दालचीनी डाल देंगे, 1 छोटी इलायची डाल देंगे, अच्छे से सॉटे करेंगे, 1 टीस्पून सीरा डाल देंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें अपनी प्योरी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तीन चार मिनट तक इसे अच्छे से चलाएंगे। दालचीनी, 1 छोटी इलायची ये सब निकाल देंगे, 1 टीस्पून सॉल्ट डाल देंगे, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर अच्छे से मिक्स कर देंगे। टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते रहेंगे और चलाते रहेंगे इसको। 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाल देंगे और ध्यान रखें इसकी कंसिस्टेंसी ना तो ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा पतली। इस स्टेज पर पनीर डाल देंगे। ऊपर से मलाई डाल देंगे। फ्लेम ऑफ कर देंगे। पनीर बनकर तैयार है। बटर और कसूरी मेथी से लास्ट में गार्निश कर देंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।